दोस्तों, आज फिर से आप सभी का स्वागत है एक और नई कहानी में। ये कहानी चूहा और मेंढक की कहानी है। तो आइए, किस प्रकार से एक चूहा और एक मेंढक दोनों आपस में दोस्त थे और किस प्रकार से एक कहानी का शीर्षक निकल के आता है। तो एक समय की बात है, एक चूहा और एक मेंढक बहुत अच्छे दोस्त थे। चूहा एक तालाब से कुछ ही दूर एक पेड़ के बिल में रहता था। हर सुबह मेंढक तालाब से मिलकर अपने दोस्त चूहे से मिलने जाता और दोपहर में वापस आ जाता। चूहा अपने दोस्त मेंढक के साथ समय बिताकर काफ़ी खुश रहता था, पर उसे पता नहीं था कि मेंढक धीरे धीरे उसका दुश्मन बनता जा रहा है। इसकी वजह यह थी कि मेंढक रोज चूहे से मिलने जाता था और दूसरी तरफ चूहा कभी भी मेंढक से मिलने नहीं आता था। इस बात से मेंढक को अपमान महसूस होने लगा। एक दिन मेंढक को लगा कि वह और अपना अपमान नहीं सहेगा और उसने चूहे को सबक सिखाने का मन बना लिया। उसने एक रस्सी का एक सिरा अपने पैर में और दूसरा सिरा चूहे के पैर में बांध दिया और उछलते हुए तालाब की ओर जाने लगा। बेचारा चूहा भी ऐसा ही होकर घसीटता जा रहा था। मेंढक कुछ ही देर में तालाब तक पहुंच गया और उसने तालाब में छलांग लगा दी। चूहा खुद को रस्सी से आज़ाद करने की कोशिश करने लगा और अंत में असफल होकर तालाब में डूब गया। कुछ ही देर में उसका बेजान शरीर ऊपर आकर तैरने लगा। तभी वहां गुजरता हुआ एक बाज ने तालाब में चूहा को तैरता हुआ शरीर दिखाई दिया और उसने अपने पंजे से चूहे को पकड़कर पास के एक पेड़ पर ले गया। मेंढक जो चूहे के साथ रस्सी से बंधा हुआ था, वह भी चूहे के साथ साथ बाज की पकड़ में आ चुका था। मेंढक ने खुद को रस्सी से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और वह बाज का शिकार हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरे के लिए इतना गड्ढा नहीं खोदना चाहिए कि हम खुद उसमें गिर जाएं। तो क्योंकि दोस्तों, आजकल लोग क्या करते हैं, कोई भी इंसान आगे बढ़ने लगता है, तरक्की करने लगता है, तो बहुत सारे लोग यह सोचते हैं अपने मन में कि यार ये इतना आगे इतना जल्दी सक्सेस क्यों हो रहा है, तो उसको गिराने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते देखते हुए खुश नहीं होते हैं तो उसको गिराने के चक्कर में खुद और नीचे गिर जाते हैं, ऐसे गड्ढे में गिर जाते हैं, उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। तो मेरे दोस्त, किसी को भी गलत साबित करने के लिए, उसे गिराने के लिए, उसको गलत रास्ते पे नहीं चलना चाहिए अपने को, और खुद का लक्ष्य निर्धारित करके खुद के सपनों के बारे में सोच के चलना चाहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। दिन प्रतिदिन आपको हर एक दिन नई कहानी के साथ में हम मिलते हैं। तो अगर आपको कहानी हमारे द्वारा सुनाई गई पसंद आती है तो हमारी हर एक वीडियो की कहानी को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और हर एक भाई और अपने दोस्त रिलेटिव सभी के पास इन कहानियों को शेयर करें कि उनको भी इन शिक्षा कहानियों के द्वारा कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।